आरएनए का बनना, डीएनए से आरएनए का बनना। हाँ, ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन आरएनए कॉपी ऑफ फ्रॉम द सीक्वेंस ऑफ द डीएनए। तो इसे हम क्या करते हैं कि डीएनए से आरएनए बनता है और इसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अगर हम आरएनए से दोबारा डीएनए बनाए तो इसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जितने भी वायरसेस है ना, वायरसेस वो अपनी रेप्लिकेशन इसके थ्रू करते हैं कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू। अक्सर जो आरएनए वायरसेस है ना, वो अपना आरएनए से पहले डीएनए बनाते हैं और फिर डीएनए से अपनी आरएनए की कॉपी बनाते हैं, तो इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब चार तरह के पॉलीमरेज़ होते हैं। एक जो डीएनए से आरएनए बनाता है उसे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज़ कहते हैं। एक होता है जो आरएनए से आरएनए की कॉपी बनाता है, तो उसे कहते हैं आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज़। फिर एक होता है जो आरएनए से डीएनए बनाता है, उसे कहते हैं आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज़। और फिर एक होता है जो डीएनए से डीएनए की कॉपी बनाता है, उसे कहते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। इसका चार डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमरेज़ होते हैं। अगर तो वो डीएनए से डीएनए बनाए तो उसे हम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज़ कहेंगे। अगर डीएनए से आरएनए बनाए उसे हम कहेंगे कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज़, उसको नॉर्मली आरएनए पॉलीमरेज़ कह देते हैं। जो डीएनए से आरएनए से डीएनए बनाए उसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं, उसे लेकिन वो होगा आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज भी। अच्छा, अब जो ट्रांसक्रिप्शन होती है उसके दौरान डीएनए सीक्वेंस इज रीड बाय आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज ये कौन सा है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अच्छा, ट्रांसक्रिप्शन के अंदर आपको पता है कि जो आरएनए में होता है वो थाइमिन की जगह यूरासिल होता है, ये चीजें सारी आप लोगों को पता है। तो इसके अंदर आरएनए मॉलिक्यूल जो है वो एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होता है जिसके थ्रू वो डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन, मैंने ऑलरेडी बताया था कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है जो आपके प्रमोटर रीजन के साथ बाइंड करते हैं और उसके ऊपर जाकर फिर हमारा आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है और वहां से फिर वो जब उसके बाद वो पहला जो एटीजी देखता है ना, वहां से जो ओपन रीडिंग फ्रेम स्टार्ट होता है वहां से ये आरएनए की कॉपी बनानी शुरू कर देता है। व्हाट इज अ स्टार्ट कोडन? जी बच्चे, कौन बताएगा? और स्टार्ट कोडन कहाँ होता है? एयूजी होता है सर, एयूजी स्टार्ट कोडन है। और ये ओपन रीडिंग यहां से स्टार्ट होता है और दुनिया के अंदर 99% ऐसे ऑपरेटिंग फ्रेम है। ऑपरेटिंग फ्रेम किसे कहते हैं? जहां से यहां से आरएनए बनता है, ठीक है। तो अभी मैं इसी स्लाइड के अंदर मैं एक नई स्लाइड ऐड करता हूं, वैसे ही आपको थोड़े से समझाने के लिए। ओके, जो आपका होता है ना डीएनए से आरएनए बनना, ठीक है, इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अच्छा, डीएनए आपको पता है ये जी बच्चों, ये नाम, ये आवाजें किसकी आ रही हैं? ये मिला के मैंने इसको म्यूट कैसे करना? ओके, ऑलरेडी मैंने बता दिया कि डीएनए से जो आरएनए बनता है उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अच्छा, अब जीन के कितने पार्ट होते हैं? थ्री पार्ट होते हैं। जीन के कितने पार्ट होते हैं?
और बॉर्डर होता है ओपन रीडिंग फ्रेम होता है और टर्मिनेटर। ठीक है, तो जो प्रमोटर है वहां पर जाकर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। ठीक है, बाइंड करने के बाद उसके बाद जो पहला स्टार्ट गुडन आता है, फर्ज किया मैं एक सीक्वेंस इधर बनाता हूं, फर्ज किया ओके, ये एक सीक्वेंस है, आप इसमें से फाइंड आउट कर सकते हो कि जी बच्चों ये जो सीक्वेंस है इसके अंदर स्टार्ट कोडन कहां है, ये वाला जो रीजन है यहां से एटीजी स्टार्ट हो रहा है, दिस इज नोन एज स्टार्ट कोडन, और ये वाला जो रीजन है टीएजी ये है स्टॉप कोडन। ठीक है, अब एटीजी से ऊपर वाला जो रीजन है दैट इज नोन एज ये क्या कहलाता है बच्चों, प्रमोटर होगा, दिस इज प्रमोटर, यस। ये जो ये वाला जो रीजन है इसके इसे कहते हैं प्रमोटर, और ये वाला जो रीजन है यहां से लेकर यहां तक ये क्या है स्टार्ट टर्मिनेटर, और ये है ऑपरेटिंग फ्रेम। ऑपरेटिंग फ्रेम किसे कहते हैं जिससे आगे आरएनए बनना है, और उसके बाद फिर टर्मिनेटर रीजन आ जाता है। अब आरएनए पॉलीमरेज यहां बाइंड करता है इस सीक्वेंस के अंदर, और फिर यहां से आगे रीड करता है जिसको पहला जो उसको एटीजी नजर आता है वहां से आरएनए की सिंथेसिस स्टार्ट कर देता है। ये उस वक्त तक स्टार्ट होती है जब तक स्टॉप गुडान नहीं आता। ये जो बाइंड प्रमोटर पे करता है, क्या मतलब, मैंने कहा सर बाइंड जो करता है वो प्रमोटर पे करता है, फिर स्टार्ट ओआरएफ से हो रहा होता है। हाँ, स्टार्ट ओआरएफ से होता है, प्रमोटर रीजन का काम सिर्फ उसको फैसिलिटेट करना है, इससे कोई ट्रांसक्रिप्शन या आरएनए नहीं बनता। आरएनए सिर्फ बनता है ये जो मैंने कहा ना ओपन रीडिंग फ्रेम से ही सिर्फ आरएनए बनता है, और किसी रीजन से आरएनए नहीं बनता। बाकी जो है ओपन रीडिंग फ्रेम से ऊपर वाला ये वाला जो रीजन है इसे कहते हैं अपस्ट्रीम रीजन, इसे क्या कहते हैं अपस्ट्रीम, और जो स्टॉप डार के एंड के ऊपर रीजन होता है उसे कहते हैं डाउनस्ट्रीम रीजन, उसे डाउनस्ट्रीम रीजन वो कहते हैं, और इस रीजन से ही सिर्फ आरएनए बनता है। अब इससे जो आरएनए बनेगा ना वो ये वाला होगा, इसको हम कहेंगे इसको कॉपी किया, और एग्जैक्टली ये यहां पर, लेकिन टी की जगह क्या आ जाएगा यू, और फिर यहां टी की जगह यू आ जाएगा, और फिर यहाँ टी की जगह यू आ जाए, और यहां जहां टी होगी वहां वहां यू हो जाएगा, और आपका आरएनए बन जाएगा। ठीक हो गया, इस तरह इससे आरएनए बनेगा। अब आरएनए से आगे प्रोटीन, अच्छा मैंने पहले भी बताया था कि प्री एमआरएनए बनता है, पता है व्हाट इज प्री एमआरएनए एंड व्हाट इज पोस्ट एमआरएनए, सर प्री वो जिसमें टेल वगैरह ऐड नहीं हुई, और सर पोस्ट वो है जिसमें टेल वगैरह भी ऐड हुई होती है। हाँ, जो प्री एमआरएनए होता है ना उसके अंदर होते हैं, जो आपका प्री एमआरएनए है ना उसके अंदर होता है इंट्रॉन प्लस एक्सॉन। ठीक है,
और जो आपका मैच्योर मैसेंजर आरएनए या फाइनल मैसेंजर आरएनए होता है उसके अंदर क्या होता है, सिर्फ एक्सॉन्स होते हैं। क्या होते हैं इसका पता है कंसेप्ट? यस सर, ये तो पढ़ाया था आपने। ये मैंने पढ़ा दिया था आप लोगों को, शुक्र है। तो अच्छा, तो अब यही बता, ट्रांसक्रिप्शन अभी वो मैसेंजर आरएनए के अंदर प्री मैसेंजर आरएनए, फिर मैच्योर मैसेंजर आरएनए, मैच्योर मैसेंजर आरएनए के बाद यही सीक्वेंस जाती है फिर आगे जो है आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री क्रिएट होती है, वन ऑफ द टू स्ट्रैंड कॉल्ड अ टेम्पलेट स्ट्रैंड इज कॉल्ड फॉर ट्रांसक्रिप्शन बिकॉज़। आइए देखें, ये जो है यहां पर आपको नजर आ रहा है कि ये जो ये आरएनए पॉलीमरेज है, ये जो स्टार्ट होता है और यहां से, और फिर ये आगे इसकी वो मैसेंजर आरएनए बनाई जा रहा है, ठीक है। और यहां पर एक दरमियान में एक बबल टाइप बनता है, ठीक है। और यहां से ये अभी कॉपी करता है मैसेंजर आरएनए और इससे मैसेंजर आरएनए बनता है, और अदर स्टैंड जो कार्ड कोडिंग स्टैंड, उसके दो स्टैंड होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, वन ऑफ द टू स्टैंड कॉल्ड द टेम्पलेट स्टैंड एंड अदर स्टैंड इज कॉल्ड द कोडिंग स्टैंड। यही वो बात इधर बताई हुई है कि न्यूक्लियर आरएनए इसके अंदर एक्सॉन्स होते हैं, एक्सॉन वन, एक्सॉन टू, एक्सॉन थ्री, इसके दरमियान में इंट्रॉन होते हैं। ये जो इंट्रॉन है ये बाद में रिमूव हो जाते हैं, और इंट्रॉन के रिमूवल को क्या कहते हैं, आरएनए स्प्लाइसिंग। उसे क्या कहते हैं, आरएनए स्प्लाइसिंग। और फिर बाद में सिर्फ एक्सॉन्स रह जाते हैं हमारे पास, और यही एक्सॉन्स फिर जाते हैं, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आपने ऑलरेडी पढ़ लिया कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, कि डीएनए आरएनए से डीएनए का बनना, ये डिफरेंट वायरसेस हैं जो ऐसे करते हैं। अच्छा, अब आगे है इसका अगला प्रोसेस है कि इसकी ट्रांसलेशन होना। ये जो मैच्योर मैसेंजर आरएनए है इसके एक तरफ पॉली ए टेल, जिस तरह वो मायरा ने कहा था कि इसके एक तरफ पॉली ए टेल लग जाती है और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, इसके ये अब फर्ज किया ये वाला मैसेंजर आरएनए हमारा मैच्योर मैसेंजर आरएनए है, ये वाला, ठीक है। अब ये मैच्योर मैसेंजर आरएनए बनने के बाद इसके एक तरफ पॉली ए टेल लग जाती है इस तरह, और दूसरी तरफ इसके एक ना मिथाइलेटेड गुआनिन कैप, मिथाइलेटेड गुआनिन, मिथाइलेटेड गुआनिन, और साथ में ना कुछ सीक्वेंसेस और ऐड हो जाती हैं। मेरी बात की समझ आ रही है कि इसके है? अच्छा, फाइव प्राइम एंड इसका कौन सा है और थ्री प्राइम एंड कौन सा है इसका, बचाओ बतो बताओ, फाइव प्राइम एंड और थ्री प्राइम एंड, जो ये जो इस तरफ है ना ये वाला रीजन जहां से ऐड होगा वो थर्ड प्राइम एंड होगा। अब पॉली ये टेल है ना जिस तरफ, ये इसका इस तरफ थ्री प्राइम एंड है, ठीक है, थ्री प्राइम एंड है, और ये यहां पर मिथाइलेटेड गुआनिन कैप लगी हुई है, ये इसका है फाइव प्राइम एंड, ठीक हो गया। अब फाइव प्राइम एंड इसके इस तरफ है, फाइव प्राइम एंड की तरफ एक तो मिथाइलेटेड गुआनिन लगी हुई है और दूसरा एक और सीक्वेंसेस है, और इस सीक्वेंस और ये तकरीबन जितने भी मैसेंजर आरएनए बनते हैं इसका जो ओपनिंग फ्रेम है, जो मैसेंजर आरएनए मैच्योर मैसेंजर आरएनए बनता है उसके साथ ये दोनों चीजें लाजमी ऐड होती हैं। हर मैसेंजर आरएनए के साथ ये जो चीजें हैं ये लाजमन ऐड होती हैं, और ये जो ग्रीन मैंने कर दिया ये क्या है, methylated guanine along with some sequences and these sequences are known as Shindel-Gamow sequences. क्या कहते हैं इसको, Shindel-Gamow sequences, Shindel-Gamow
सीक्वेंस, ये लिखना शिन डेल गैमो सीक्वेंस। अच्छा ये एक जापानी साइंटिस्ट था, उसने ये डिस्कवर की थी इसलिए उसके नाम के ऊपर ही इसको। अच्छा अब इसका क्या रोल है, इस शिन डेल गैमो सीक्वेंस का रोल क्या है, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। इसका रोल है एक तो ये आरएनए ने, ये जो मैसेंजर आरएनए है इसने ट्रेवल करना होता है फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, ठीक है, और इसका बहुत बड़ा सफर है। सफर इस तरह है कि उसने पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है साइटोप्लाज्म, और फिर साइटोप्लाज्म से आगे डिफरेंट जगह उसने जाना है, फिर जाके राइबोसोम में पहुंचना है। और ये पॉली ए टेल और शिन डेल गैमो सीक्वेंसेस इस आरएनए को आरएनए से बचाती है। तो किससे बचाती है, जो आरएनए को डिग्रेड करने वाले एंजाइम्स हैं ये इसको वहां से बचाती है। और दूसरा ये जो शिन डेल गैमो सीक्वेंसेस का एक और रोल भी है कि ये प्रोटीन बनाने में भी हेल्प करती है। अभी नेक्स्ट में बताता हूँ कि प्रोटीन बनाने में कैसे। अच्छा आरएनए से डीएनए का बनना दैट इज नोन एज क्या होता है बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू प्रोड्यूस होता है, वो राइबोसोम में ट्रेवल करता है और फिर वहां पर एक अमाइनो एसिड की एक चेन बनाता है और इस तरह एक प्रोटीन बनती है, ठीक है। लेकिन इस अब ये जो अमीनो एसिड की चेन बनती है इसे पॉलीपेप्टाइड कहते हैं और बाद में फिर वो एक्टिव प्रोटीन बन जाती है। इस सारे प्रोसेस के अंदर कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो कि हेल्प करते हैं इस सारे प्रोसेस के अंदर। ट्रांसलेशन अक्कर इन द सेल साइटोप्लाज्म वेयर द लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट आर लोकेटेड एंड बाइंड टू मैसेंजर आरएनए। अब ये देखिए राइबोसोम जो है फैसिलिटेट करता है इसको प्रोटीन की बनने के प्रोसेस को। अच्छा इसके अंदर हमें ट्रांसफर आरएनए चाहिए होता है, ये देखिए ट्रांसफर आरएनए है। अच्छा और एक हमें ये चाहिए, हमें राइबोसोम चाहिए, ठीक है, हमें क्या चाहिए, राइबोसोम चाहिए, ट्रांसफर आरएनए चाहिए और राइबोसोमल आरएनए चाहिए और मैसेंजर आरएनए चाहिए। ये सारे प्रोसेस है, मैसेंजर आरएनए वो है जो हमारे कहां से आ रहा है, जो ट्रांसक्रिप्शन के बाद आ रहा है। राइबोसोम क्या करता है कि वहां पर रीड करता है। अब ये देखे ये थ्री न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो उसकी आपको नेक्स्ट में आपको पहले वो पढ़ा दूं। अच्छा कोडॉन्स क्या होते हैं, व्हाट इज कोडॉन जी बच्चों, ये जेनेटिक कोड्स हैं, जैसे कि यूरासिल, यूरासिल और इधर से भी यूरासिल आए UUU, तो फिर ये है फिनाइल एलानिन, ये एक अमाइनो एसिड बनता है दैट इज नोन एज फिनाइल एलानिन। एक तरफ ये ट्रिपल जो तीन कोडॉन्स होते हैं, थ्री लेटर होते हैं न्यूक्लियोटाइड के, उसको हम क्या कहते हैं, वो कोडॉन, वो दैट इज कोड फॉर स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। अब इसके अंदर जो हमने पिछला मैसेंजर आरएनए बनाया ना, ये देखो इसके अंदर हमने क्या कहा था कि ये मैसेंजर आरएनए है फाइनल, ये वाला। अब ये वाला मैसेंजर आरएनए जब वहां पहुंचता है प्रोटीन के लिए, तो इसके अंदर अब ये मैं थोड़ा इसको, अब ये जो है जब ये पहुंचता है उसके अंदर, अच्छा अब ये देखें, अब ये एयूजी पहला क्या कोडॉन है, एयूजी। अब एयूजी कहां पर है, अब ये ए है, ये यू है, ये जी है, ये देखो। अब ये मिथियोनिन को कोड करता है, इसको स्टार्ट कोडॉन भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, स्टार्ट कोडॉन, और थ्री न्यूक्लियोटाइड दे कोड फॉर वन अमीनो एसिड, और पहला अमीनो एसिड कौन सा है, मिथियोनिन। अब दूसरा अमीनो एसिड इसमें क्या है, सी जी यू,
अब CGU क्या है? CGU, CGU is code for arginine. CGU is code for arginine. अच्छा अब अगर अब उसके बाद पे GCG, अब GCG क्या है? G C और इधर से भी G आ जाए, GCG एलानीन, ये क्या है? एलानीन. अब इस तरह ये सारे जो मैसेंजर जो कोडॉन्स हैं ये कोड कर रहे हैं एक एक अमाइनो एसिड्स को. अब ये देख लें पीछे, अब ये देखें, ये पहला मैसेंजर आरएनए, ये वाला मैसेंजर आरएनए है, आपको ये लॉन्ग जो न्यूक्लियोटाइड की एक चेन नजर आ रही है, दैट इज नोन एज द मैसेंजर आरएनए. ये जो ब्लू कलर का आपको नजर आ रहा है ग्रेश, ये है हमारा अमाइनो एसिड. अब ये जो ट्रांसफर आरएनए इसके नीचे ये देखो, ये थ्री न्यूक्लियोटाइड का लगा हुआ है. अब ये थ्री न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? दीज आर कॉल्ड एंटाइकोडॉन्स. ये इसे क्या कहते हैं? कंप्लीमेंट्री एंटाइकोडॉन. ये फर्ज किया अगर ऊपर ए यू जी है ना, तो इसके नीचे क्या लगा होगा? इसका कंप्लीमेंट्री ए का क्या होता है? यू. फिर यू का क्या है? ए. यू ए सी. यहां पर क्या लगा होगा? यू ए सी. लेकिन इसके दूसरी तरफ क्या लगा होगा? इसकी इस साइड के ऊपर जिस तरह ये वाला लगा हुआ है, ये अमाइनो एसिड्स है. अब एक एक ट्रांसफर आरएनए आता जाता है और इस तरह प्रोटीन बनती जाती है. अच्छा, ट्रांसफर आरएनए कैरी स्पेसिफिक अमाइनो एसिड दैट आर चेन टुगेदर इन अ पॉलीपेप्टाइड. अब मैसेंजर आरएनए पासस थ्रू इट एंड इज रीड बाय द अमाइनो एसिड. तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन. The entire ribosome messenger RNA complex will bind to other membrane of the rough endoplasmic reticulum and release nascent protein. जहां पर जो protein बनती है, ये primary protein होती है, फिर secondary, फिर tertiary, फिर quaternary. ये इस तरह ये इसके different processing process होता है, तब जाकर हम ये translation का process complete होता है. अच्छा अब ये देखिए, यहां पर बड़ा important चीज है कि अब ये देखिए, पहला है AUG, इससे बनना है स्टार्ट कोडॉन. उसके बाद दूसरा है CGU, अब CGU से क्या बनना है? आर्जिनिन. ठीक हो गया, इधर आर्जिनिन, CGU ये यहां पर आर्जिनिन. ठीक हो गया. अच्छा अगर यहां पर G की बजाय कुछ और आ जाए, ये जो यहां पर मैं यहां पर जी की भी है, अगर म्यूटेशन हो जाए और यहां पर ए हो जाए, सी ए यू बन जाए, अब सी ए यू क्या बनेगा? तो कौन सा न्यूक्लियोटाइड, कौन सा अमाइनो एसिड ऐड होगा अगर म्यूटेशन हो जाए? सी ए यू, सी ए यू किधर है? ये है सी, फिर हिस्टिडीन बनेगा. क्या बनेगा? हिस्टिडीन. अगर पहले आर्जिनिन बन रहा था, अब क्या बनेगा? हिस्टिडीन. इट मींस टोटल की टोटल प्रोटीन ही चेंज हो जाएगी. क्या हो जाएगी? आपकी जो प्रोटीन है वो सारी की सारी चेंज हो जाएगी. और इससे क्या होगा कि और इस तरह जो म्यूटेशंस हैं हमारी बॉडी के अंदर, ये डिफरेंट ये हमारे पास ये म्यूटेशन क्रिएट डाइवर्सिटी, और उस डाइवर्सिटी की वजह से क्या होता है कि नई से नई स्पीशीज बनती है, स्पीशिएशंस होती हैं. क्या होती हैं? स्पीशिएशंस होती हैं. अगर तो वो इस तरह की म्यूटेशन है जिस तरह की मैंने बताई है कि फर्ज किया आप यहाँ पर ये डिफरेंट जो कोडॉन्स है मैं उसको अलहदा कर रहा हूं. अब ये देखिए, अब ये डिफरेंट जो कोडॉन्स हैं ये मैंने कर दिए अलहदा. अगर इसके अंदर कहीं भी कोई इशू हो जाए तो क्या होगा? अब हमारे पास कितने कोडॉन्स हैं? इससे कितने अमीनो एसिड बनेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. कितने अमीनो एसिड बनेंगे? 7.
अगर इसकी अरेंजमेंट के अंदर कहीं भी कोई न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाता है फर्ज किया, अब तो फिर कौन से फर्ज किया एक न्यूक्लियोटाइड यहां पर ऐड हो जाता है, म्यूटेशन होती है या एडिशन होती है। अब यहां पर ये है पहली प्रोटीन, यहां पर ये है नॉर्मल प्रोटीन। अच्छा, अगर यहां पर यू के साथ एक और न्यूक्लियोटाइड ए ऐड हो जाता है फर्ज किया, क्या हो जाता है ए न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाता है, तो फिर क्या होगा फर्ज किया ये वाला न्यूक्लियोटाइड नया ऐड हो गया, इसको हमने कलर भी ग्रीन कर दिया। अब इससे क्या होगा कि पूरी की पूरी कोडान की चेंज हो जाएगी फर्ज किया। अब यहां से आगे जो नया कोडान आएगा वो ये वाला हो जाएगा और जी जो है वो अगले के साथ चला जाएगा। मेरी बात की समझ आ रही बच्चों? जी सर। तो पूरी की पूरी जो है हमारे पास अमाइनो एसिड पूरे के पूरे चेंज हो जाएंगे, इवन लास्ट में यो जी हमारा आना था स्टॉप कोडान, वो भी स्टॉप कोडान भी आगे पीछे हो गया, क्योंकि स्टॉप कोडान क्या होता है यूएसी यूएजी यूएसी यूसीए इन तीनों में से एक होना था। अब यहां पर स्टॉप कोडान आ ही नहीं रहा। अब ये देखो ना, अब यू जी यू ए उसके बाद जी अकेला रह गया, अब स्टॉप स्टॉप कोडान ही खत्म हो गया। अब क्या होगा कि जब स्टॉप कोडान ही नहीं होगा तो प्रोटीन के अंदर ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होगी, जब ट्रांसक्रिप्शन ही होगी तो वो प्रोटीन नहीं बनेगी, जब वो प्रोटीन नहीं बनेगी तो वो उस पौधे के अंदर वो जो स्पेसिफिक रोल है किसी भी प्रोटीन का वो नहीं होगा। देखा ना, एक सिंगल म्यूटेशन एडिशन या डिलीशन प्लांट्स के अंदर डाइवर्सिटी लेकर आती है, क्या लेकर आती है डाइवर्सिटी लेकर आती है। सिंगल सिंगल म्यूटेशन भी प्लांट के अंदर एक नए स्पीशीज की एवोल्यूशन के। अच्छा, अब क्या होता है कि हमारे पास अब आपको घर में आपने वेजिटेबल कुकिंग ऑयल मंगवाना था लेकिन बाजार में मिल नहीं रहा, तो अब आपने क्या किया, आपने घर में दूध से दूध लिया, मक्खन बनाया, मक्खन से घी बना लिया, तो अब आपकी घर के अंदर क्या होगा कि टोटल चेंज हो गया आपके खाने का जायका, वो जाहिर है वो ऑयल के चेंज होने से। तो इस तरह एक नए किस्म की डिशेस बनाएंगे आप, तो इस तरह चेंजेस आती है, तब्दीलियां आती हैं, और ये तब्दीलियां दैट लीड्स टू डाइवर्सिटी, और उससे नई से नई स्पीशिएशंस की तरफ। ये जो हम बायोइनफॉर्मेटिक्स टूल यूज करते हैं उसके अंदर हम इस तरह की जो सिंगल म्यूटेशन है उनको आइडेंटिफाई। अच्छा, जो एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर चेंज आने की वजह से जो म्यूटेशन आती है इसे कहते हैं SNPs। इसे क्या कहते हैं, अभी मैं बताता हूं, इसे क्या कहते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, SNPs। क्या कहते हैं इसको बच्चों? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, इसे क्या कहते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर चेंज आने की वजह से आपकी एंटायर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसके अंदर फर्ज किया ये ऐसा जीन था जिसकी वजह से इसका कलर व्हाइट होना था, अगर ये जीन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा या इसका पिंक कलर आना था, अब ये पिगमेंट प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा तो फ्लावर का कलर क्या हो जाएगा, व्हाइट। अब हम कहेंगे कि दिस इज अ न्यू वैरायटी ऑफ पिटोनिया, ऐसे ही कहेंगे ना कि ये व्हाइट कलर पिटोनिया है, ये रेड कलर पिटोनिया है, ये येलो कलर पिटोनिया है। इट मीन्स अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड कैन पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, पॉली मीन मैनी, मॉर्फिन शेप्स, और ये एक ये अलील। अब टोटल ये देखे, अब अगर फर्ज किया ये एडिशन नहीं अच्छा ये एडिशन यहां की बजाय किसी और जगह हो जाती है तो तब डिफरेंट तरह की और
प्रोटीन्स बनेगी, फर्क है यहाँ पर ऐड हो जाती है, तो इस तरह डिफरेंट तरह की प्रोटीन्स बनेगी, डिफरेंट तरह की वो चीजें, और इसे हम, और ये हम बायोइनफॉर्मेटिक्स जो टूल्स हैं डीएनए सीक्वेंसिंग एनालिसिस से हम ये मालूम करना चाह रहे हैं कि कितनी इसके अंदर डाइवर्सिटी है और किस जीन के अंदर ज्यादा डाइवर्सिटी है। फिर क्या आपने आप अपने जितने भी सीक्वेंसेस है ना, आपने जितने भी आपके ट्रीज फ्रूट ट्रीज थे, आपने कोई तकरीबन सारे जीन, जितने मैक्सिमम जीन्स उसके अंदर है ना आपको मिल रहे हैं इंटरनेट के अंदर, तो आप उनमें से देखें कि इसके अंदर स्निप्स कितने। फर्ज किया टोमेटो की 10 वैरायटीज है, उनके अंदर वो डिफरेंट बिहेवियर शो कर रही है, तो उसके अंदर कहां किस जीन के अंदर म्यूटेशन आई है, कि ये जो परफॉर्मेंस है इसकी अंडर बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेसेस डिफरेंट क्यों है, तो वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसके अंदर इस जगह म्यूटेशन आई और उस म्यूटेशन की वजह से इसके पूरी का पूरा पाथवे चेंज हो गया, और इस वजह से जो जीन है जो है वो क्या हो गया। मेरी बात की समझ आ रही है बच्चों? अच्छा, अब क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम इस म्यूटेशन को रिकवर कर सके? पढ़ा है आप लोगों ने कोई? फर्ज किया टोमेटो के अंदर यहां पर यू, यहां पर जी आ जाता है, और इस जी के आने की वजह से, अच्छा एक हमारी टोमेटो की वैरायटी है वो बड़ी हाई यील्डिंग है, लेकिन यहां पर अगर तो ए हो